भारतीय शेयर बाजार 3 साल के सबसे निचले स्तर पर है। देश में कोरोना वायरस के कहर और टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े AGR विवाद के चलते लगातार 3रे कारोबारी दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 1709 अंक गिरकर 48,869 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी निफ्टी 425 पॉइंट का गोता लगाकर 8,541 के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर यस बैंक के शेयर में फिर से बढ़त दिखी। ये बुधवार को लगातार 7वें दिन हरे निशान पर बंद हुआ। बुधवार को यस बैंक के शेयरों की कीमत 60 रुपए पहुंच गई। उधर ITC, टाटा स्टील, TCS और SBI के शेयर भी बढ़त पर बंद हुए। दूसरी ओर बजाज फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, SDFC बैंक के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।